एक युवती को जब उसका पूर्व प्रेमी अश्लील फोटो की वजह से ब्लैकमेल करने लगा तो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। पूर्व प्रेमी ने उसकी सगाई भी तुड़वा दी और पीछा भी नहीं छोड़ा। पुलिस से मदद मांगी तो उसने भी नहीं सुनी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक पूर्व प्रेमी के लगातार परेशान करने और ब्लैकमेलिंग के चलते युवती ने आत्महत्या का यह कदम उठाया है। 3 दिन पहले ही युवती ने पुलिस को शिकायत दी थी कि लड़के के खिलाफ कार्यवाही की जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई कार्यवाही नहीं की। बदनामी के डर से युवती ने आत्महत्या कर ली। शाहदरा जिले के जगतपुरी थाने में पुलिस की लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जगतपुरी इलाके की एक युवती ने 3 दिन पहले ही अपने पूर्व प्रेमी पर ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जगतपुरी थाने में शिकायत की थी। इतना ही नहीं, युवती ने शिकायत के आखिर में लिखा था कि यदि युवक के खिलाफ कार्यवाही कर उससे छुटकारा नहीं दिलाया गया तो वह आत्महत्या कर लेगी। लिखी शिकायत में आत्महत्या की बात कहे जाने के बाद भी पुलिस ने मजबूर युवती की एक नहीं सुनी तो युवती ने आखिरकार गुरुवार को आत्महत्या कर ली। पूर्वी दिल्ली की रहने वाली गीतिका ने अपनी शिकायत में 8 मार्च को जगतपुरी थाने को लिखा था कि वह मांगलिक है और उसके पूर्व प्रेमी ने झूठ बोलकर उसे प्रेम जाल में फंसाया था। जब उसकी हकीकत और उसके मांगलिक होने का गीतिका को पता चला तो उसने आरोपी पंकज से दूरी बना ली थी। इसके बाद पंकज उसे उसकी अश्लील तस्वीर दिखाकर धमकाने लगा था और पैसों की डिमांड करने लगा था। जब उसने सारी बात अपने परिजनों को बताई तो गीतिका के परिजनों में बदनामी के डर से 50,000 रुपए भी दिए और गीतिका की सगाई कहीं और करा दी। इस बात से पंकज नाराज हो गया और गीतिका और अपने संबंध के बारे में लड़के वालों को बताने की धमकी दी और 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि गीतिका के परिवार वालों ने 10 लाख रुपए देने में असमर्थता जताई तो पंकज ने सारी बात गीतिका से सगाई करने वाले परिवार को बता दी थी। इसके बाद गीतिका की सगाई टूट गई थी। बात यही नहीं थमी, पंकज उसके बाद भी लगातार गीतिका को परेशान करता रहा। इसके बाद गीतिका ने जगतपुरी थाने में शिकायत दी और शिकायत में लिखा कि यदि जल्द पंकज से उसे छुटकारा नहीं दिलाया गया तो वह आत्महत्या कर लेगी। पुलिस ने उसकी एक ना सुनी तो गीतिका ने गुरुवार को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कंप्लेनेंट है मनोज कुमार, उन्हें जो है एक बहाना करके बुलाया, एक फार्म हाउस पे ये लोग ले गए, वहां उन्हें बंद करके उनके साथ मारपीट भी की और फिर ये धमकी दी कि भाई आपको गलत मुकदमे फंसा देंगे अगर आपने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो। फोन पर इन्होंने उनके पुत्र से, उनके जो बेटे हैं मनोज कुमार के, उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की। फाइनली बात 1 लाख रुपए में तय हुई और 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन। जो ATM स्वैपिंग की वारदात है वो होटल अथीन और मेवात के एरिया में काफी बढ़ गई है। हमारे यहाँ के अटेम्प्ट हो चुके थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। कुछ ATM थेफ्ट की भी वारदात पलवल जिले में हुई थी जो हमने ट्रेस भी करी थी, तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक कुछ लोग डिप्लॉय कर रखे थे मुखबर हमारे, तो हमें पता लगा कि कुछ लड़के हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, कार्ड स्वैपिंग का और जो पैसे निकालते हैं ATM से, वो कोसी की तरफ से आ रहे हैं। तो उसमें कल नाके की डिप्लॉयमेंट करी गई थी, तो उसके बाद ये जो है गाड़ी आई उस तरफ से, सफेद गाड़ी, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, कई गाड़ियां चेक की गई तो उसमें से इसमें ये 3-4 लड़के बैठे हुए थे। जब इनसे फर्दर पूछताछ की गई, गाड़ी की सर्च की गई तो इनके जेबों से और कार्ड की जो डैशबोर्ड है वहां से हमें कार्ड। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.